हाय फ्रेंड्स, राधे राधे बहन भाइयों को, सभी को हमारी तरफ से आज हम लेकर के आ गए हैं संक्रांति स्पेशल रेसिपी। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने लिए है यहाँ पे मैदी और बड़ी सी ली है छन्नी, तो छान लेते हैं हम। तो मैदा को छान लीजिएगा, कचड़ा चढ़ा जो कुछ भी रहता है तो निकल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है मैदा को छान लिया है। मैदा आप कम ज़्यादा अपने उसे ले सकते हो, जितना अपना परिवार है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने मैदा को छान लिया है और एक चम्मच डालिए तेल इसमें। इससे जो हमारी रेसिपी है बहुत ही खस्ता और क्रंची बन के तैयार होगी। स्वाद अनुसार डालेंगे नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम डो लगा कर इसका तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने भाई बहनों दोस्तों में सभी में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पहले से किए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। तहे दिल से धन्यवाद आप सबका। तो हमारी पूरी वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, तभी आपको ये रेसिपी का पता चलेगा कि कैसे बनाना है। तो हमने देखी फ्रेंड्स, डो लगा कर तैयार कर लिया हमारा डो, आप देख सकते हो। इसको कड़ाकी लगाना है, डो को सॉफ्ट नहीं लगाना है। तो छोड़ देते हैं रेस्ट के लिए। और गैस पे हमने चढ़ाया है एक तवा, उसमें डालेंगे हम 5 चम्मच सूजी, और सूजी को हम जो है भून लेते हैं थोड़ा। तो फ्रेंड्स, आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्यारी प्यारी सी कमेंट अच्छी सी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो हम सूजी को चलाते चलाते भूंज लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी सूजी जो है अच्छे से भुन गई है। इसका बस कलर चेंज हो जाए और सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे तो समझना कि सूजी भूंज गई है। तो हम गैस को बंद कर देते हैं, सूजी के लिए छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे लिया है हमने खोवा, तो ये खोवा हमने घर पे ही बनाया है। आप देख सकते हो कितना इसका अच्छा कलर आया है और बहुत ही अच्छा बन के सॉफ्ट सा तैयार है। तो आप अगर हमारी खोवा की रेसिपी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे जाइएगा। हमारे चैनल पे खोवा की रेसिपी अपलोड पहले से ही है, तो आप जाकर देख सकते हो और बहुत ही आसानी से खोवा घर पर बना सकते हो। मार्केट में तो मिलावट वाला खोवा मिलता है और बहुत ही महंगा मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने खोवा को अच्छे से तोड़ लिया है, और सूजी जो हमने भून कर रखी थी वो डाल ली है। थोड़े से काजू बादाम डाल लिए हैं, और ये नारियल का गरी डाल ली है, और इसी में डाल देंगे हम इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। और 1 कप ली है हमने चीनी, तो चीनी को भी ऐड कर लेंगे, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। तो चीनी आप कम ज़्यादा अपने पसंद से ही डाल सकते हो। ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें गुठली ना रहे इसलिए हम अच्छे से मसल मसल कर इसको खोवे को मिक्स कर रहे हैं चीनी में। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि गुठली ना रहे, अच्छे से मिक्स कर लोगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपको ये आसानी से रेसिपी बनाने का अंदाज होगा कि कैसे बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने खोवा को अच्छे से मिक्स कर लिया है चीनी में सभी मसालों में। और अब हम ले लेते हैं मैदा जो हमने रेस्ट के लिए रखी थी। थोड़ा सा तेल लगाकर हम इसको थोड़ा मस लेंगे मैदा को, और इसका रोल बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम रोल बना लेते हैं। रोल बनाकर हमें इसकी छोटी छोटी सी लोइयां कट करनी है फ्रेंड्स। तो इतना ध्यान रखना फ्रेंड्स कि लोइयां छोटी छोटी ही बनाना है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना है। आप देख सकते हो हमने कितनी छोटी लोइयां कट करी हैं।
गोल शेप दे दिया है हमने लोइयों को, और हम इसको साइड में रख देते हैं सभी लोइयों को, और बेलन से बेलेंगे हम। तो जैसी पूड़ी को बेलते हैं गोल गोल, बस ऐसे ही बेल के तैयार करना है। तो आप देख सकते हो ना मोटी है हमारी ये पूड़ी ना पतली है, बस हमें ऐसे ही बनाकर तैयार करने हैं। तो ये मैदा है, सुखड़ती है फ्रेंड्स, तो इसको आराम से बेलकर तैयार करना है। लंबी चौड़ी कैसी भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हो हमने लिया है यहाँ पे ये सांचा, इसमें जो है हम गुजिया बनाएंगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो हमने ये पूड़ी जो है गुजिया के सांचे पे रख ली है, और हम जो है खोवा का जो हमने मिश्रण बनाया था हम वो रख लेंगे चम्मच से, एक चम्मच और थोड़ा सा और हम रखेंगे, और थोड़ा थोड़ा उंगलियों से दबाकर जो हमारी पूड़ी बाहर निकली है उसको हम तोड़ देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो एक गुजिया है बन के तैयार है। ऐसे ही हम दूसरी पूड़ी भी बेल लेंगे। तो आप देख सकते हो कितने आसानी से ये गुजिया बन के तैयार हो जाती है, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। आप ज़रूर से ये ट्राई कीजिएगा। आप घर पे ही खोवा बनाकर गुजिया बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो देखिए इसमें एक चम्मच डालेंगे, थोड़ा सा और डालेंगे हम मिश्रण, और बस इसको थोड़ा सा दबा देना है और निकाल लेना है, क्योंकि दबाओगे नहीं तो ये गुजिया जो है खुल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी दूसरी गुजिया भी बन के तैयार है। अब हम दूसरा तरीका आपको बताएंगे बनाने का। आपके यहाँ अगर गुजिया का सांचा नहीं है तो आप हाथों से भी बनाकर इसको तैयार कर सकते हो गुजिया को। तो हम आपको हाथों से बनाकर दिखाएंगे फ्रेंड्स, बहुत ही आसान बनाना है। तो हमने पूरी बेलकर तैयार कर ली है। अब हम एक थाली लेंगे, उस पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे क्योंकि हमारी जो पूरी है वो चिपके ना, और हम इसको रख लेते हैं पूड़ी को थाली पे, और हम मिश्रण रखेंगे इसमें, थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं फ्रेंड्स मिश्रण को, क्योंकि ये हम हाथ से बनाने वाले हैं, और इसको हम फोल्ड कर देते हैं। तो आप देख सकते हो फोल्ड कर कर उंगली से बगल बगल साइड में इसको किनारों पे दबा देना है, क्योंकि गुजिया खुले ना। बस हमने दबा दिया है, थोड़ा सा हाथ में तेल लगाकर इसको हम देखिए गौंठेंगे, गौंठन करेंगे। इसकी डिजाइन देखिए कितनी प्यारी आ रही है फ्रेंड्स। बस अंगूठे के नाखून से और उंगली से हमें दबाना है, तो ये डिजाइन बनके तैयार हो जाती है। आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी डिजाइन हमने बनाकर तैयार कर ली है, कितनी प्यारी दिख रही है। तो आप ऐसे भी बनाकर तैयार कर सकते हो। तो हम एक गुजिया भी आपको बनाकर दिखाएंगे फ्रेंड्स हाथों से। तो हम पूड़ी को बेल लेते हैं, तो इसको गोल साइज बेलना है, लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम हाथ से बना रहे हैं। तो देखिए हमने गोल शेप दे लिया है, और हम इसको थाली पर रखेंगे पूड़ी को, और थोड़ा सा मिश्रण रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दो चम्मच जो है मिश्रण रख लिया है, और इसको फोल्ड करेंगे पूड़ी को, और बस सेम उसे है जैसा हमने पहले बताया था, ऐसे ही हम उंगली से दबा देंगे बगल बगल साइड में किनारों पर। बस दबाना इसलिए है कि अगर तुम फ्राई करोगे इसको तो खुल जाएगी, इसलिए हमें अच्छे से दबा लेना है। और वैसे ही हम इसमें डिजाइन दे देते हैं। आप देख सकते हो कितनी आसानी से बन के डिजाइन तैयार हो रही है, और बहुत ही प्यारी लगती है डिजाइन जो हम बना रहे हैं। आप देख सकते हो कितनी अच्छी हमारी गुजिया का लुक, इतना प्यारा दिख रहा है।
तो आप इसी तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको हम पास से दिखा देते हैं हमारी गुजिया है जो कितनी अच्छी दिख रही है। तो ऐसे ही हम सब बना लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए हमने सभी गुजिया बनाकर कर ली है तैयार और गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। तो हमारा जो तेल है वो हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम गैस पे ही हमें इन गुजियों को पकाना है फ्रेंड्स। तो हमारा तेल मीडियम है और हम गुजियों को डाल लेते हैं और अलट पलट करके हम सेंक लेंगे फ्रेंड्स ऐसे ही। तो आप ऐसे ही गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हो बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी बनती है ये खोवा की गुजिया। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो देखिए हमारी गुजिया अच्छे से उलट पलट करके हमने सेंक ली है, हम निकाल लेते हैं। तो इसको देख सकते हो कितना प्यारा सा लुक आया है। तो ऐसे ही हमने सभी सेंक कर तैयार कर ली हैं फ्रेंड्स। और देख सकते हो आप हमारी गुजिया का लुक कितना प्यारा आया है, वो खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, आप ज़रूर से एक बार हमारे तरीके से बनाकर खाइएगा। और आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो हमारी गुजिया बहुत ही खस्ता और क्रंची बन के तैयार है। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को राधे राधे।